हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा, और मैं और अभिषेक मेरे सहयोगी एक ऐसी खबर आपके लिए लेके आए हैं जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि क्या हम हिंदुस्तान में वाकई रहने लायक हैं, जिसमें बीसीसीआई जैसे क्रिकेट बोर्ड हैं जिनकी इतनी थूथू हो रही है पूरी दुनिया में। दरअसल थूथू इसलिए हो रही है कि आपने देखा होगा गुवाहाटी में रविवार को T20 मैच था, बारिश हुई, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, हल्की फुल्की बारिश थी, लेकिन बारिश के बाद जो तस्वीरें हमने देखी उसने पूरी दुनिया में बीसीसीआई की, हिंदुस्तान की थूथू करवा दी है, और वो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। तस्वीरें ऐसी हैं, एक आपको उसमें जो आपके घर पे, सभी के घर पे वो 200 रुपये वाला, 300 रुपये वाला वो प्रेस होगा आयरन, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, आपने कभी भी सोचा होगा कि वो जो आयरन आप अपने घर पे रखे हुए हैं वो कभी आप किसी इंटरनेशनल इवेंट में जाकर पिच उससे सुखाएंगे? आपको शौक लगा होगा ये सुन के, हमें भी लगा था देख के। छोड़िए, ये तो सिर्फ आयरन था, इसकी तस्वीर वायरल हुई, थूथू हुई। जो आप छोटा सा हेयर ड्रायर लगाते हैं ना जी, जिससे आप नहाने के बाद बाल सुखाते हैं, घर पे सबके लगभग मिल जाएगा, उस हेयर ड्रायर से जो बालों के पानी को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस हेयर ड्रायर से पिच सुखाई जा रही थी। तो ये जो हेयर ड्रायर की तस्वीरें हैं अभिषेक, आयरन की तस्वीरें हैं, और वो कोयला लगाकर, पट्टियों पे कोयला लगाकर उसको पिच पे रख दिया, इस तरीके से पिच सुखाई जा रही थी। आप ये सोचिए, बीसीसीआई जो सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, करोड़ों अथा संपत्ति है बीसीसीआई के पास, वो अपने ग्राउंड स्टाफ को, अपने जिनके अंतर्गत वो ग्राउंड आते हैं उन तक ये व्यवस्था तक नहीं पहुंचा पाई है कि अगर बारिश हो जाती है तो पानी सुखाने के लिए अच्छे इक्विपमेंट्स हों। और इसीलिए इन फोटोज को शेयर कर करके जो बाहर के लोग हैं ना, वो मजाक ले, वो मजाक उड़ा रहे हैं कि बताइए, बनते अमीर हैं और इतना पैसा तक नहीं है, हेयर ड्रायर से और आयरन से तो पिच सुखा रहे हैं, बताइए अभिषेक। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि बीसीसीआई की नाक कटी है, शर्मनाक तस्वीर है, जब हम आपको दिखाएंगे तो आप देखना, शर्मनाक तस्वीर, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि बताया अपूर्व जी ने कि एक प्रेस से, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, उससे आप पिच सुखा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है, बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, इस बोर्ड के पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छा ग्राउंड स्टाफ होना चाहिए, अच्छे कवर्स होने चाहिए। और इस पर काफ़ी भारतीय जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी काफ़ी बोला, आकाश चोपड़ा ने इसकी काफ़ी आलोचना की है, लक्ष्मण ने बोला है कि इतनी कम बारिश में अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रद्द हो जाए तो बड़ी ही नाक कट जाती है, बड़ी शर्मनाक, नाक कटने जैसी है स्थिति। 8 बजे मैच में, जब 8 बजे बारिश बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी, और उसके बाद भी अगर मैच रद्द हो सकता है तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी, ये कहें तो, लापरवाही आज ग्राउंड। और इसी वजह से पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई की थूथू हो रही है, गांगुली की बीसीसीआई की थूथू हो रही है, जो गांगुली महाराजा कहे जाते हैं, प्रिंस ऑफ कोलकाता, उनकी अध्यक्षता में वो बदलाव की बात करते हैं, उन्होंने एक पिंक रिवॉल्यूशन लाया क्रिकेट में, पिंक टेस्ट मैच करवाया, बहुत शानदार करवाया, लेकिन उन्हीं दादा की बीसीसीआई इतनी अपने आप को असहज महसूस करेगी, इतनी अपने आप को एक तरीके से अनाथ महसूस करेगी कि उसके पास कुछ है ही नहीं। आप ग्राउंड सुखाने के लिए प्रेस और हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए सौरभ गांगुली और पूरी बीसीसीआई की धूधू की जा रही है। आप ये तस्वीरें लगातार देखिए, एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को, ये देखिए, ये छोटा सा हेयर ड्रायर जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, इससे पिच सुखाई जा रही है, आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ये आयरन देखिए, ये आयरन आजकल आप घर पर कपड़े सुखाते हैं, शर्ट पैंट प्रेस करते हैं, इससे सोचा है आपने कभी कि इससे कभी पिच भी सुखाई जा सकती है, वो भी बीसीसीआई इंटरनेशनल मैच में पिच सुखाएगी इससे? बिल्कुल, क्या बीसीसीआई के पास इससे बेहतर इक्विपमेंट नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इरफान पठान ने एक बात बताई, इरफान पठान ने बोला कि आज से 15-20 साल पहले कभी घरेलू क्रिकेट में बड़ोदरा की, क्योंकि वो बड़ोदरा की तरफ से खेलते थे, कि बड़ोदरा की तरफ से घरेलू क्रिकेट में अगर कभी इस तरह की बारिश हो जाती थी तो हम इस तरह की प्रेस या फिर इस तरह की कोई गर्म चीज हेयर ड्रायर से यूज करते थे, क्योंकि घरेलू क्रिकेट था उस समय, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी आज से 15-20 साल पहले अगर हम बात करें। लेकिन आज जमाना बदल गया है, मॉडर्न क्रिकेट है, लगातार क्रिकेट में बदलाव हो रहे हैं, बीसीसीआई के पास अथाह पैसा है, सौरभ गांगुली जैसा बीसीसीआई का बॉस है।